Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class, we had done exercise 4.2 of chapter 4, that is simple equations. In this class, we are going to start exercise 4.3. First question is, solve the following equations. क्या करना है हमने? इन गिवन इक्वेशंस को सोल्व करना है, जैसे हमने 4.2 में किया था. देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट है 2y plus 5.2 is equals to 37 upon 2. A part equation is 2y plus 5 upon 2 is equals to 37 upon 2. तो हमने क्या करना है? जब हम पहले कर रहे थे तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को मेंशन कर रहे थे कि हम यहां पर अगर 5 बाय 2 को हमने हटाना है तो हम माइनस 5 बाय 2 कर रहे हैं दोनों तरफ. फिर इस 2y में 2 को हटाना है तो इस 2 को रिमूव करने के लिए 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं. अब हम इस क्वेश्चन को ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करते हैं. देखो 2y के साथ ही प्लस 5 बाय 2 आ रहा है. अगर हम इसको लेफ्ट साइड से राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाकर साइन चेंज हो जाएगा इस टर्म का. तो सबसे पहले क्या करना है, 2y is equals to ये 37 upon 2 as it is और इस plus 5 by 2 को right में shift करना है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, minus, क्योंकि ये यहाँ पर किस sign के साथ है, plus के साथ. अब 2y is equals to LCM लेते हैं हम इसका, 2 like fractions है ये, तो 37 minus 5 हम directly कर सकते हैं, that is 32. clear, इसे cancel करते हैं, 2 ones are 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12. तो मेरे पास जो 2y आ गया वो कितना है, 16. clear, अब क्या करना है, देखो इस 2 के साथ y multiply में है और इसे हटाना है तो दोनों तरफ 2 से divide. अब हम directly इस 2 को वहां लेकर जाते हैं, y is equals to 16, ये 2 यहां multiply में है तो वहां जाके divide में. clear, 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 8. इस क्वेश्चन को हमने ट्रांसपोजिशन मेथड से किया, जो भी लेफ्ट में टर्म्स हैं हम उसे वन बाय वन राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं और साइन चेंज हो रहा है और लास्ट में जाके जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो गया और उसकी वैल्यू आ गई, दैट इज y इज इक्वल्स टू 8. सेम इसका बी पार्ट, 5t plus 28 is equals to 10. तो सबसे पहले इस 28 को वहां पर शिफ्ट करते हैं. 5t as it is equals to 10 plus 28 है. राइट में जाके minus 28. Clear? यहां पर 5t as it is 10 minus 28, that is minus 18. अब ये t और 5 दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये 5 नेक्स्ट स्टेप में कहां चला जाएगा, माइनस 18 के डिवाइड में. तो t इज इक्वल्स टू माइनस 18 अपॉन 5. क्लियर, तो यहां से ये वेरिएबल सेपरेट हो गया t और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 18 अपॉन 5. सिमिलरली यू कैन डू इट्स अदर पार्ट्स. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन सेकंड. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. इसमें भी इक्वेशंस को सॉल्व ही करना है. देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट है 2 और फिर ब्रैकेट में है x plus 4 is equals to 12. तो सबसे पहले इस 2 को हम राइट में शिफ्ट करते हैं. देखो ये 2 क्या है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाके डिवाइड में. तो यहां रह गया x plus 4 is equals to 12 upon 2. 2 ones are 2, 2 6 are 12. तो यहां से आ गया x plus 4 is equals to 6. अब x के साथ प्लस में है ये 4, जब इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4, तो x is equals to 6 minus 4 is equals to 2. यहां से ये वेरिएबल सेपरेट हो गया x और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2. इसको हम और कैसे कर सकते थे, हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x plus 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 8 is equals to 12. अब फिर ये बिल्कुल सिमिलर इसी वजह से हम इसको कर सकते हैं, ये 8 पहले राइट में जाएगा, 2x यहीं पर, that is
12 माइनस 8, क्योंकि यहां पर प्लस का 8 है, 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 4। अब x इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये 2 और x मल्टीप्लाई है, 2 वहां जाके डिवाइड में, 2 4 अपॉन 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, then x इज इक्वल्स टू 2। तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमें इजी लगे, क्लियर। ऐसे ही हम इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट किए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।